हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ घंटे पहले तुमने किया है। क्या? उस लाश के टुकड़े किए हैं और उस टुकड़ों को तालाब में फेंका है और तुम ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या करो? हाँ क्या करो? तुम ऐसे क्यों बिहेव करे? अंजलि तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नशा वशा किया है क्या तुमने? हाँ पागल हो जैसी बात कर रही हो। ये क्या खून, क्या मर्डर, क्या ये? तुम्हारे कपड़ों में तो खून और सर पे चोट लगी थी। खून ये सब तुमने कपड़े कहाँ चेंज किए? कहाँ गया वो सब कुछ? इतना खून बह रहा है। पागल हो गई है तुम? आज सुबह मैं यही शर्ट पहन के तो गया था ऑफिस। अभी थका हुआ इतना लेट ऑफिस से आया हूँ टेंशन में और तुम बकवास किए जा रही हो, इरिटेट कर रही हो मुझे। और ये क्या स्टोरी बना रही हो ये खून उनकी? रंजन अच्छे से याद करो। हाँ तुमने मुझे कॉल किया था और तुम बहुत घबराए हुए थे। रंजन तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? और उसी वक्त नीचे आने के लिए कहा और साथ में टूल बॉक्स और साफ करने वाला कपड़ा भी लाने के लिए कहा था। रंजन ये सब क्या हो गया? ये खून, ये चोट, अब तुमने ये सब संभालने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस से कार में वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं उसकी मदद करने के लिए गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझ में, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका खून कर दिया। अंजलि हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। उस लाश को हम शहर के बाहर एक तालाब में ले गए। वहां तुम्हारे कहने पे हम दोनों ने लाश के टुकड़े किए, उसको प्लास्टिक बैग में डाला और उस तालाब में फेंक दिया। और उसके बाद तुमने मुझे घर ड्रॉप किया। तुम ये कह रहे थे कि तुम थोड़ी देर में वापस आओगे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिसे मैं जानता तक नहीं मैंने उसका खून कर दिया? या तो तुम सपना देख रही हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं नहीं जानता। और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, कैन यू प्रूव इट? आई विल। ये देखो और ये देखो, अब बोलो प्रूफ मांग रहे थे ना? तो ये रहा प्रूफ। अब बोलो इन कपों पे खून कहाँ से आया? नहीं ऐसा तो नहीं, ये सब तुमने किया है और तुम मुझे फंसा रही हो। अच्छा अब मुझे समझ में आया, तुम सब मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो कहीं? वहां ऑफिस में भी मेरी कॉलीग एक महीने से कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि मैंने तुझे यहाँ देखा, मैंने तुझे वहां देखा। अरे मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि मैं उस जगह पे था ही नहीं। लेकिन अब जो तुम कर रही हो ना वो बहुत गलत है। ये है ना बहुत इंटेलिजेंट साजिश है जो तुमने रची है। तुमने खून किया है अंजलि और तुम इसमें मुझे फंसाना चाहती हो। मैं जा रहा हूं पुलिस के पास।
रंजन तुमने खून किया, तुम सीआईडी को क्यों बुला रहे हो? तो आप कहना चाहती हैं कि आप अपने पति यानी इनके साथ मिलके एक लड़की की लाश को शहर से बाहर एक लेक में फेंक आई हैं? जी सर, मैं यही कह रही हूँ और ये सब कुछ मैंने इसके कहने पे किया है। लेकिन आपके पति तो कह रहे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इनफैक्ट इन्होंने ही हमें यहाँ पे बुलाया है। सर, ये औरत सब बकवास कर रही है, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और उसमें ये मिली हुई है। बकवास? मैं नहीं बकवास, ये आदमी कर रहा है सर। पहले अपना गुनाह छिपाने के लिए इसने मुझसे ये सब कुछ करवाया और अब साफ वो कर रहा है। सर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा हमशक्ल वाली बात कि तुम्हारे दोस्त और कलीग्स आजकल तुम्हारे हमशक्ल से मिल रहे हैं, पर बात यह है ना कि तुम्हारी ये कहानी सच कम और काल्पनिक ज्यादा लगती है। सर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। इनफैक्ट आप तो जानते भी नहीं क्या हुआ, क्या था? ऐसा क्या हुआ था? सर, रंजन ने मुझे टूल बॉक्स और एक कपड़ा लेकर नीचे पार्किंग में आने के लिए कहा और वहाँ उसने मुझे बताया कि उसने एक लड़की का खून कर दिया। वहाँ हमने लाश के टुकड़े करके पानी में फेंक दिए। सर प्लीज, मेरा यकीन कीजिए सर, कोई हमशक्ल है जो ये सब कर रहा है, या तो सब मिलके साजिश कर रहे हैं, उसमें मुझे फंसाया जा रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए और आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए अभी इसी वक्त और यहाँ से लेक पे चलते हैं। एक बार ये एविडेंस फॉरेंसिक लैब जाएगा तो पता चल जाएगा आप दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कौन ये लड़की? सर, मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो कुछ भी पूछना है इससे पूछिए ना। सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने इसे नहीं मारा सर, मैं तो सिर्फ इस आदमी की सब में मदद कर रही थी। मैं देर रात तक ऑफिस में था सर, आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। चिन के नीचे देखो, टुंडी के नीचे स्टिचेस है ना, और वो पुराने भी नहीं है, और लगता है ये जख्म कुछ दिन पहले हुई हो। किसी न किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ये स्टिचेस करवाए गए होंगे, वहाँ से पता चल सकता है इस लड़की के बारे में। एक काम करो फ्रेडी, पकड़ ये जो बॉडी के टुकड़े हैं ना, सब के सब अपने फॉरेंसिक लैब भेज दो और इन दोनों को हमारे ब्यूरो ले चलो। सर, इसका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इसका कोई हमशक्ल है जो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके जान पहचान वाले उस हमशक्ल को अलग अलग जगह पे मिलते हैं और समझते हैं कि वो यही है। हाँ सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर, और उस साजिश में ये भी शामिल है सर। सर, आप ही बताइए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं आपको फोन ही क्यों करता? सर, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब साबित हुआ ना, लाश मिली ना लेक में, और इसकी गाड़ी की डिक्की में खून मिला ना। सर, आप खुद ही बताइए, जब इतना मैंने सच बोला है तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे फंसाने के लिए। सर, मैं कह रहा हूँ सर, ये साजिश है सर, मुझे फंसाने के लिए। बस बस बस, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया इसका पता हम लगाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि हमारा शक सिर्फ हम दोनों पर है। बट सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम बेकसूर हूँ, मैं तो। हो सकता है खून शायद तुमने नहीं किया हो, लेकिन लाश के टुकड़े टुकड़े करके लेक में फेंकना ये भी एक संगीन जुर्म है, समझिए आप। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गया। लेकिन सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं था ऑफिस में, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर। सुरंजन, कानून यकीन पे नहीं सबूत पे चलते हैं। आपके ऑफिस का फुटेज जो है वो सामने है और आप इसमें है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वाइफ जो बोल रही है वही सच है।
नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में ही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। अपने तुम्हारा ऑफिस खाली क्यों? सर रंजन इस कंपनी का सीईओ, इस फ्लोर पे सिर्फ यही रहता है, इसके अलावा एक प्यून भी है, लेकिन उस दिन छुट्टी पे था। अच्छा रंजन जी, उसी दिन तुम्हारा प्यून छुट्टी पर क्यों? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में था। सर रंजन, तुम्हारे पास बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, समझे? अरे कुंदन, अच्छा हुआ तो आ गया। भाई ये लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी का खून किया है, अरे मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, बताना समझाना यार। ये नहीं कर सकता है सर, सर इसने जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा है। हाँ ये और बात है, इसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ सर, उसका इलाज भी चल रहा है सालों से, दवाइयाँ भी लेते हैं रंजन भाई साहब, लेकिन कभी कभी अगर दवा लेना भूल जाए तो दौरा पड़ जाता है। ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? सर मैं वो आपको ही नहीं किसी को नहीं बताया होगा, मेरा बस चलता तो मेरी शादी होने ही नहीं देती, मैं तो अपनी बेटी के आगे हार गई हूँ। ये आदमी तो साइको है साइको। ये रंजन मानसिक रोगी है रोगी, इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसका दिमाग वही याद रखता है जो ये याद रखना चाहता है, बाकी सारी बातें ये भूल जाता है। हो सकता है सर कि इसने खून किया होगा और इसे याद ही नहीं होगा। बात ये है कि मैं पहले बीमार हुआ करता था लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। क्यों बोल रही हैं आप ऐसा? कुंदन कुंदन तू ही बता, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? भाभी आप बताइए। अरे तुम ही बताओ ना, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं कोई साइको नहीं हूँ, कोई बीमार नहीं हूँ, कोई मानसिक रोग नहीं है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे बोलो ना, बोलो ना। बस बहुत हो गया, ये तुम्हारा घर नहीं है, ब्यूरो है, ये नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा। एक काम करो, बगल वाले कमरे में जाकर बैठिए। जाइए उधर चल जाओ प्लीज। सारे सबूत इस रंजन के खिलाफ है, और तो और उसका बर्ताव भी तो ठीक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों एक बात को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। वो बार बार हमें कह रहा है कि उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मैं था ऑफिस में, कोई इतने यकीन के साथ नहीं कह सकता। और एक बात सर, फोन उसी ने किया है, कोई कातिल ऐसा करेगा क्यों? और सर वो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हो सकता है उसने खून किया हो और भूल गया हो, इस बीमारी में ऐसे ही होता है सर। हो सकता है, हो भी सकता है। एक काम करते हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, इसको लैब में भेजते हैं, चेक करवाते, देखते क्या इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की है क्या। और सर वो हमशक्ल वाली बात, वो बार बार ये कह रहा है कि उसके दोस्तों ने उसके हमशक्ल को देखा है और उसने उसके दोस्तों को पहचाना भी नहीं। मिलते उसके दोस्तों से, पूछताछ करते, क्रॉस चेक करते, देखते हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर हो सकता है ये चैताली और कुंदन रंजन के शुभचिंतक बन रहे हो और असल में हो ना। और शायला जी वो तो चाहती है कि ये गुनाह रंजन पे साबित हो जाए ताकि उनकी बेटी इस शादी से आजाद हो जाए। सर सर मरने वाली लड़की की फोटोग्राफ हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में भेज दी थी सर, उसकी पहचान हो गई। उसका नाम अनामिका है, दो दिन पहले वो वहां गई थी अपना जख्म दिखाने। अनामिका, अनामिका, इस अनामिका के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता लगाओ ये कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका इस रंजन के साथ क्या संबंध है। सर अनामिका ने हॉस्पिटल में यहीं का एड्रेस दिया था, अब क्या करें? देखते हैं कोई सुराग जरूर मिलेगा, जरा आसपास देखो कोई पड़ोसी है क्या। सर हाँ? सर ये अंकित है, अनामिका के पड़ोसी। हेलो सर, क्या बात है, अनामिका ठीक तो है ना? हाँ नहीं, अनामिका का खून हो गया और हम उसके इसकी छानबीन कर रहे हैं,
आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं जिससे कोई मदद मिल जाए खूनी तक पहुंचने में? नहीं सर, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पे? अच्छा, उसका कोई दोस्त सगे संबंधी जो यहाँ पे उसके साथ रहता हो? वो NRI थी सर, अभी कुछ महीने पहले यहाँ रहने के लिए आई थी। मैंने तो उसके परिवार का कोई नहीं देखा। हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो घंटों फोन पर बातें किया करती थी। वो फोन पे जिससे बात करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था, ये आपको कैसे पता? सर एक्चुअली मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो बालकनी में खड़े होकर उससे काफी जोर जोर से बातें किया करती थी घंटों, और उसकी बातचीत से लगता था सर उसका बॉयफ्रेंड अच्छा आदमी नहीं है। झगड़ा होता था दोनों में, बातों से लगता था वो मारपीट भी करता था उसके साथ। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले उसने उसके साथ हाथापाई की थी, उसके चेहरे पर टाके भी आए थे और उसकी आंख पर भी चोट आई थी। सर आपने देखा है उसके बॉयफ्रेंड को? नहीं सर, मैंने उसे देखा नहीं है, पर उसका नाम पता है मुझे। अच्छा, क्या नाम क्या है उसका? रंजन। रंजन? सर हाँ, ये देखिए, ये अनामिका का पासपोर्ट, ये बार्सिलोना का वीजा लगा है। बार्सिलोना? ये स्पेन जाना चाहती थी क्या? सर अनामिका स्पेन से ही थी सर, मैंने उसकी बातें सुनी थी सर। वो तंग आ गई थी रंजन से, वो हमेशा हमेशा के लिए स्पेन वापस चली जाना चाहती थी। सर लगता है उसका खून ये रंजन नहीं किया है, वो नहीं चाहता था कि वो स्पेन चली जाए। हेलो सर, अनामिका के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए। एक नंबर जिस पे वो बात किया करती थी वो नंबर रंजन की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। रंजन, एक काम करो, अनामिका का फोन आखिरी लोकेशन क्या थी उसके बारे में पता करो। ये अनामिका है, कल रात ये आपके होटल में ठहरी थी। I'm not sure, sir. नहीं? देखकर तो लगता नहीं। ठीक है, हमें आपके होटल की CCTV फुटेज चेक करनी है। Sure, sir. ये अनामिका। ये क्या चक्कर है कि अंदर गई एक हैंडबैग लेके और बाहर आई इतना बड़ा ये लगेज लेके, और साथ में ये कौन है लड़का? सर ये तो हमारा वेल बॉय है। वेल बॉय कहाँ है अभी? कल रात जब उस लड़की का लगेज लेके तुम गए थे तो वहां पे कोई उसका इंतजार कर रहा था? हाँ सर, एक आदमी तो था, वेट कर रहा था उसका। कौन था वो? लंबा पतला सा आदमी था सर। लंबा पतला सा, ये था वो आदमी? सर लगता तो कुछ ऐसे ही है। लगता कुछ ऐसे ही का क्या मतलब है? सर वो दूर खड़ा था तो मैं सही से देख नहीं पाया। तो इसका मतलब है ये रंजन, इसने हमसे झूठ बोला। वो अनामिका को पहले से जानता था और आखिरी बार अनामिका उसी के साथ थी। रंजन का कहना है कि आप लोगों ने उसे अलग अलग जगहों पे देखा लेकिन वो वहां था ही नहीं, ये क्या माजरा है? सर मैं एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था, मैंने देखा रंजन बाहर किसी से बात कर रहा था। रंजन, रंजन, ए रंजन। जब मैंने उसे आवाज लगाई तो सर पता नहीं क्यों उसने मुझे अनसुना किया और वहां से चला गया। रंजन। लेकिन सर जब मैंने इस बारे में उससे बात की तो उसने कहा कि वो वहां था ही नहीं। पता नहीं सर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे। और लीला जी, आपने कहाँ पे देखा था उसको? कांदीवली में एक ज्वेलरी शॉप पर, उसके साथ कोई लड़की थी। रंजन, रंजन, एक ये लड़की थी? हाँ सर यही वो लड़की थी, लेकिन जब मैंने उससे फोन पर बात की कहने लगा कि मैं तो वहां था ही नहीं।
और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ सर, वो मार्केट में मेरे सामने से गया, मैंने उसे हाथ दिखाया, हाय बोला, मगर उसने सीधा मुझे इग्नोर किया, ऑटो में बैठा और चला गया। इधर देख भाई, मैं इधर इधर रंजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि रंजन जानबूझ के इनके सामने आया और अजीब सा व्यवहार किया। अभिजीत, क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है ये रंजन? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभिजीत, एक काम करते हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने रंजन को देखा है ना, देखते हैं वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या। ये देखिए। आसान के बस क्या मिला? ये हथियारों पर और कपड़ों पर जो खून मिला है वो अनामिका का ही है। लगता है अंजलि सही कह रही थी, इनका इस्तेमाल अनामिका के खून के लिए और उसकी लाश को छुपाने के लिए किया गया है। अच्छा, रंजन के खिलाफ कोई सबूत? हाँ सर, रंजन की उंगलियों के निशान मिले हैं, एक तो इस टूल बॉक्स पे और दूसरा गाड़ी की डिक्की में, जिसमें अनामिका का खून भी मिला था। मतलब रंजन अंजलि के साथ था? ये तो सीधा साधा सबूत है अंजलि के सच बोलने का और रंजन को कातिल साबित करने का। लेकिन बॉस, हमें और भी बहुत कुछ मिला है। क्या? सर, हमें एक खास पॉलीमर और सिलिकॉन के ट्रेसेस भी मिले, जो अपने आप में एक अजीब बात है। सिलिकॉन और पॉलीमर, ये तो वाकई अजीब बात है यार। और एक खास बात बॉस, दिखाता हूँ। ये केमिकल बॉस, ये खास केमिकल हमें हर जगह मिला, कपड़ों पर, टूल बॉक्स पे, हथियार पे, सब जगह। और इसके अलावा ये देखो, ये कुछ साइनाइड्स, कुछ क्लोराइड्स, ये सारे केमिकल। सबसे खास बात ये है कि ये जितने भी केमिकल्स हैं, इस सिचुएशन में यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए। रंजन, इस रंजन को आजाद नहीं रहना चाहिए। रंजन का आजाद रहना खतरनाक है। अनामिका के पड़ोसी का कहना है कि तुम अनामिका के बॉयफ्रेंड हो। नहीं सर। और तुम उसे बहुत मारते पीटते भी देते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है सर, गलत है। लोग मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं किसी अनामिका को नहीं जानता। अच्छा, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इसे तो जानते हो ना? ये देखो, ये अनामिका के बार्सिलोना के फ्लाइट के टिकट तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे, और वो जिस नंबर पे हर रोज घंटों बातें किया करती थी, वो तुम्हारे कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे गाड़ी के डिक्की में अनामिका के खून के निशान मिले हैं, और तुम्हें लगता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों के दम पे तुम पे इल्जाम लगा रहे? ये सारे सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि अनामिका का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, क्रेडिट कार्ड, सर मेरे पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रहते हैं सर, और सर मैंने आज तक अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी बार्सिलोना की टिकट बुक नहीं की है। तो फिर ये बस बंद करो रंजन, अनामिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई थी, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। ना सिर्फ खून किया, मुझे भी सब में फंसा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया अंजलि, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। भाभी, माना के सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि रंजन ने ही सब कुछ किया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। आप लोग प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। देखो रंजन, तुम्हारी बेगुनाही का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और कत्ल के वक्त तुम कहां थे इसका कोई गवाह भी नहीं, और तुम्हारे वहां ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उसमें तुम गायब हो। अनामिका के होटल के बाहर तुम्हारी गाड़ी का मौजूद होना, तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में अनामिका का खून मिलना, फोन रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, तुम्हारे बसने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमशक्ल वाला एंगल एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम्हें अरेस्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं रहेगी। तब तक के लिए तुम यहाँ अपने ही घर में नजर बंद रहोगे, फ्रेडी की निगरानी में, और आप लोग तहकीकात खत्म होने तक आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फ्रेडी, नजर रखना। सर प्लीज, सर सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पूर्वी, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मालूम है ना? यस सर। सर, इमेज फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म किया, इस रंजन की फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस फुटेज में कुछ धुंधले सिरे हैं, जिनसे ये प्रूव होता है कि इसमें कोई मौजूद था, जिसे बड़ी सफाई से डिलीट किया गया। कोई और नहीं, ये रंजन ही होगा सर। यानी उसकी हमशक्ल वाली बात सही है,
अनामिका के कत्ल के वक्त वो ऑफिस में ही था, तो फिर वो उसका खून कैसे कर सकता है? एक आदमी एक ही वक्त पे दो जगहों पे कैसे हो सकता है? सर, सर वो सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जहाँ रंजन के दोस्तों ने उसे देखा था, कॉफी शॉप, ज्वेलरी शॉप और मार्केट प्लेस। खोलो मुझे, बाहर निकालो। अरे क्यों मुझे बंद करके रखा है? खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। ये क्या हो रहा है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? खोलो। दौरा? उसे काबू में लाने का कोई तो तरीका होगा ना? सिर्फ एक ही इलाज है, खोलो, नींद का इंजेक्शन। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे ऐसे कोई बंद करता है क्या किसी को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दरवाजा तोड़ दो। इससे पागलपन में आकर कुछ कर लिया तो? सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। खोलो दरवाजा। मैं ही देखती हूँ। अरे क्यों बंद रखा है मुझे यार? रंजन, रंजन रुक जा। अनामिका के साथ में सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो। अब सर मार्केट प्लेस। पंकज जरा रिवाइंड करो। हाँ, अब इस पहले रंजन पे जूम करो। देखो इसकी इसकी चाल थोड़ी अलग है। कुछ अलग से जूता पहना हुआ है इसने। पर ये है क्या? दया, वॉकिंग बूट पहना है, वॉकिंग बूट। जिसकी भी पैर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसे ये वॉकिंग बूट पहना पड़ता है। लेकिन इस रंजन के पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वही तो, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर ये आसान के बोल क्या अभी? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सरन के ने फोरेंसिक लैब बुलाया अभी के अभी। चलो आप रेडी बोल। क्या कहा तुमने? ठीक है, हाँ वहीं पे रहना। फ्रेडी बता रहा था रंजन भाग गया है शैला को घायल करके। लेकिन फ्रेडी तो था वहां पे। वही तो, एक काम करो दया, तुम और पंकज चले जाओ उधर ही, हम लोग फॉरेंसिक लैब जाते हैं। यार सांखे, हाँ तूने कहा कि रंजन को गिरफ्तार मत करो, बस वो लोगों को घायल करके भाग गया। ओ, और तू यहाँ ये क्या है? ये क्या म्यूजियम लगा के बैठा है तू? म्यूजियम नहीं है बॉस। तो फिर ये उस पहेली का जवाब है जो हमसे सुलझ नहीं रही थी। पर हाँ, रंजन के भाग जाने का मुझे अफसोस है, लेकिन आई एम श्योर तुम लोग उसे पकड़ ही लोगे। बहरहाल वो याद है वो केमिकल्स जो हमें क्राइम स्पॉट पर मिले थे, तो उसका क्या लेना देना इसे? वो मैं आपको बताता हूँ। आप कौन? ये जगत है। एक मिनट, सब कुछ समझ में आ जाएगा बॉस। मेहुल। हाय सर। अब इनका क्या लेना देना है इससे? आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेहुल जी, आप कौन है और आपका इस केस से क्या लेना देना है? एक मिनट, एक मिनट, इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ लगती है। आंखें नहीं, इनका तो पूरे चेहरे में ही कुछ गड़बड़ है। अभिजीत, चेहरे में भी गड़बड़ है।
थैंक यू मेहुल। ये क्या? मैं बताता हूँ बॉस, वो केमिकल्स जो क्राइम स्पॉट पे मिले थे, दरअसल वो केमिकल्स इस तरीके के मास्क और नकली खून बनाने के काम में आते हैं। खास तौर पर ये सिलिकॉन मास्क जो कि फिल्मों में यूज होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें आंख की पुतली नहीं होती और आंखों के लिए इनके नीचे गड्ढे होते हैं असली चेहरे की तरह, जो कि पहनने वाले की असली आंखें इसके बाहर झांक कर दिखाई देती हैं। और सर, इसे बनाना इतना आसान नहीं है। हाई क्वालिटी की सिलिकॉन और माहिर व्यक्ति ही इसे बना सकता है। लेटेस्ट टेक्निक की वजह से सर, पहनने वाले के चेहरे पर जो भाव होते हैं वो इस मास्क में जरूर दिखाई देते हैं। इसका तो अभिजीत एक ही मतलब है, किसी ने तो रंजन का हमशक्ल बनाया है, रंजन का मास्क बनाया है। रंजन के कदकाठी वाले किसी आदमी ने रंजन के चेहरे का मास्क पहना और लोगों को धोखा देता रहा, और इसीलिए वो दूर दूर से दिखा लोगों को, क्योंकि अगर पास में आता तो पता चल जाता उसने मास्क पहना है। और सर अंजलि, वो तो उसके साथ ही थी, उससे बात भी की, उसके साथ लाश को ठिकाने भी लगाया, उसके चेहरे पे खून भी लगा था, और सिचुएशन इतनी खराब, लाश को काट रहे थे, ठिकाने लगा रहे थे, पदावासी में ध्यान नहीं दिया होगा। और तो ये जो हम शक्ल था ना, जरूर उसके पैरों के हड्डी में प्रॉब्लम था, इसलिए उसने वो वॉकर बूट पहन लिए। ये मास्क बनाना भी इतना आसान नहीं सर, ये मास्क फिल्म प्रोजेक्ट्स में ही काम आते हैं। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। सर, दया ने बताया था कि अनामिका ये भी तो किसी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में काम कर रही थी। हाँ, उसके लिए तो ये सब आसान होगा। यानी वो रंजन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे अपने ही कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहती थी, इसीलिए वो बेल बॉय को गाड़ी तक लेके गई थी। पर अपने पड़ोसी के सामने रंजन से फोन पे बात करने का नाटक किया। मान लिया अभिजीत, मान लिया, लेकिन कोई अपनी ही मौत की साजिश क्यों रचेगा? मेरा मतलब है, अनामिका अपनी खुद की मौत की साजिश क्यों रचेगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोई तो है जिसने अनामिका को मोहरा बनाया, और वही सारे केस का मास्टरमाइंड है। आप लोगों का दिमाग खराब है? फ्रेडी इंजेक्शन लेने के लिए अंदर जाता है और तुम लोग उस आदमी को यहाँ से भगा देते हो। हमने नहीं भगाया, हम तो क्या, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो आदमी जिस दिमागी हालत में यहाँ से भागा है, पता नहीं किसके साथ क्या कर दे। चैला जी पे तो हमला कर चुका है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, वो आप दोनों के सामने से भाग कर गया है और आप लोग रोक नहीं पाए उसे। सर, हम दोनों बहुत डर गए थे और सब कुछ इतना अचानक हुआ। सर, अगर हम बीच में पड़ते तो शायद वो हम पे भी हमला कर सकता था ना। हाँ, जैसे आंटी जी पे हमला किया, हम पे भी कर देता तो। हाँ, एक मिनट, शैला जी पे हमला, लेकिन कैसे? उसके पास हथियार कहाँ से आया? यहाँ पे तो कोई हथियार था नहीं, हमने सारे हथियार जब्त कर लिए थे। हाँ सर, घर में तो क्या, किचन में भी सब्जी काटने का चाकू नहीं है। सर, ये है हमारे प्रोडक्शन हाउस का मेकअप आर्टिस्ट, और सर ये मास्क बनाने में भी एक्सपर्ट है। तुमने ही अनामिका के लिए मास्क बनाया ना? बनाया नहीं? हाँ सर, उसने मुझे पैसे दिए थे, और ये तो मेरा काम है सर। तब ये भी बता दो, ये काम किसके लिए किया था, कौन पहनने वाला था ये मास्क? बताओ जल्दी, वक्त नहीं हमारे पास। और हाँ, जिसके भी चेहरे का मास्क बनवाते हो तो उसका माप लेना पड़ता है, उसके मैपिंग करनी पड़ती है ना। हाँ सर। किसके लिए बनवाया था वो मास्क, कौन पहनने वाला था वो मास्क, बताओ जल्दी। कि मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ही तो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा हमशक्ल। हमशक्ल? तुम्हारा चेहरा तो मुझसे नहीं मिलता। क्योंकि मैंने तुम्हारे शक्ल का
मास्क नहीं पहना हुआ है, वरना तुम भी मुझे पहचान नहीं पाते कि असली तुम हो या मैं। एक बात और, मैं तुम्हारी आवाज भी निकाल सकता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि अनामिका के कत्ल के जुर्म में तुम्हें जेल हो जाए। लेकिन मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो सब जानकर क्या करोगे? फिलहाल तो इतना समझ लो कि मेरी इतनी कड़ी मेहनत पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हें मैं मार दूं। सीआईडी, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुंचे। उस मेकअप मैन ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ी गलती की हो तुम लोग यहाँ के। रंजन को तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन अब तुम लोग भी साथ में मरोगे। मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? किसे दिया था? अनामिका के मरने के बाद भी तुम लोगों का प्लान चालू है। कौन है मास्टरमाइंड? मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपकी मर्जी के खिलाफ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी सोच भी नहीं सकता वो ये सब कर सकता है। रंजन का है? वो मिला नहीं आपको? मिला है रंजन, मिला है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि रंजन निर्दोष है। ये आप क्या कह रहे हैं? खून रंजन ने ही किया है। जी नहीं, खून रंजन ने नहीं किया है, खून किया है आप में से ही किसी ने। हम? लेकिन आप तो जानते हैं कि इन सब की मौजूदगी में ही रंजन ने मुझ पर हमला किया था। कैसे किया? किस चीज से उसने हमला किया आप पे? मैंने बताया था ना कि उसने चाकू से मुझ पर हमला किया था। पर चाकू तो था नहीं घर पे, हमने सारे हथियार पहले हटा दिए थे घर से। आपको ये घाव चाकू से नहीं बल्कि नेल फाइल, नाखून रेतने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये चोट उससे लगी। लगता है शायला जी अभी भी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं। रेडी? जी, हमें पता चल गया था कि अनामिका का नेबर अंकित इन सब में मिला, तो इसीलिए आपने मुझे घर से भगाया ताकि मेरा किडनैप करवा के आप मेरा कत्ल करवा सके। माँ, आपने ये सब खबरदार से मुझे माँ काम दो। माँ शब्द का मतलब क्या होता है तुम दोनों जानते हो। सर, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ रंजन के साथ शादी की और मुझसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया, और आज ये मुझसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगी। ये सब ये रंजन, इसने ही भड़काया था मेरी बेटी को। मेरी इकलौती औलाद अपने पति के साथ मिलकर धीरे धीरे मुझे जहर देकर मारने लगी। दो ड्रॉप, जल्दी करो अंजलि, जाके इसे मम्मी जी के रूम में रख दो, जाओ। लेकिन आपने अनामिका का खून क्यों किया?
उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे कोई तो चाहिए था ना ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन मैं इन दोनों को सजा देना चाहती थी, चाहती थी कि रंजन को फांसी हो जाए और अंजलि उसको उम्र भर की जेल। शैला जी, इनके लिए आपकी नफरत ने आपको भी इनके ये से एक मुजरिम बना दिया। इन दोनों को तो सजा होगी आपकी जान लेने की कोशिश करने के लिए, लेकिन आपको भी कड़ी से कड़ी सजा होगी अनामिका का खून करने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।